नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ गायनेकोमेस्टिया के बारे में। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ कि गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, इसके क्या कॉजेस होते हैं, साथ ही साथ आप इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लें। यदि गायनेकोमेस्टिया की बात करें तो ये एक हार्मोनल डिसबैलेंस होता है जो एंडोक्रिनोलॉजी डिसऑर्डर होता है, जो मेल्स में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। यदि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाए और टेस्टोस्टेरोन का लेवल यदि कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन में मेल्स में फीमेल लाइक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखने मिलता है, वो इंक्रीज होने लगते हैं, और जो कि सोसाइटी में बाहर लोगों से मिलने जुलने में, दोस्तों के साथ बाहर जाने में बच्चे को बुरा लगता है। ये मोस्टली 10 से लेके 18 से 19 साल के बच्चों में मोस्टली ये देखने मिलता है। यदि इसके कॉजेस की बात की जाए तो यदि आपके जो टेस्टिस है वहां पे इन्फ्लेमेशन की कंडीशन, जिसे हम ऑर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको टेस्टिस में किसी टाइप की और बीमारी है, या फिर कैंसर जैसी दिक्कत है तो आपको गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको किडनी फेलियर की कंडीशन है तो वहां पे भी गायनेकोमेस्टिया देखने मिल सकता है, या फिर लीवर डिसऑर्डर, लीवर फेलियर की कंडीशन में भी गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकती है। ये कुछ इसके कॉजेस थे। यदि इसके साइनियन सिम्टम्स की बात करें तो साइनियन सिम्टम्स में जो बच्चे को अगर हम देखेंगे तो बच्चे के जो ब्रेस्ट में डेवलपमेंट आपको देखने मिलेगा, फीमेल लाइक वो इनलार्जमेंट देखने मिलेगा, और बच्चे को मानसिक रूप से अपने आप को वो कमजोर महसूस करने लगता है, लोगों के बीच में जाने में उसे गंदा महसूस होता है। ये कुछ इसके साइनियन सिम्टम्स थे। यदि होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो इसमें आप R90 का यूज कर सकते हैं। ये एक ड्रॉप है जो कि रिग्वे कंपनी का है, ये काफी इफेक्टिव ड्रॉप है इन केस ऑफ गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन में। ये हार्मोन लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। यदि देखें कि इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है, तो इसके अंदर मिली हुई है ग्लैंडुलर मेडिसिन। ग्लैंडुलर जो मेडिसिन है ये ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करती है, ये हार्मोन्स को मेंटेन करने में वर्क करती है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो थायरोडिनम। यदि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो या फिर एंडोक्राइन से रिलेटेड कोई से भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो तो वहां पर थायरोडिनम मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जो कि 3X में मिली हुई है। जो नेक्स्ट मेडिसिन वो टेस्टिस इसमें 12X में मिली हुई है, जो कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको मेंटेन करने का वर्क करती है। यही कुछ इसमें मेडिसिन मिली हुई है। यदि इस ड्रॉप को यूज करने की बात करें तो इस ड्रॉप को आप 1 चम्मच गुनगुने पानी में 10 ड्रॉप सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो काली म्यूर 6X पोटेंसी में, आप इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं। यदि इस टैबलेट को यूज करने की बात करें तो इसे आप 4 टैबलेट सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कॉर्नियम मैकोलिकम। जो कॉर्नियम मैक मेडिसिन है बहुत ही इफेक्टिव है इन केस ऑफ गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन में। यदि कॉर्नियम मैक की बात करें तो ये ब्रेस्ट के टिश्यू के ऊपर वर्क करती है। यदि किसी भी टाइप का ब्रेस्ट में इनलार्जमेंट देखने मिले या फिर वहां पर किसी भी टाइप का इन्फ्लेमेशन देखने मिलता है तो वहां पर कॉर्नियम का बहुत ही अच्छा वर्क है। कॉर्नियम में गायनेकोमेस्टिया के साथ साथ यदि बच्चे में चक्कर आ रहे हैं या फिर उसको यूरिन में बार बार उसको यूरिन पास आउट करने जाना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी कॉर्नियम को आप 200 पोटेंसी में मॉर्निंग में एक एक ड्रॉप एक दिन छोड़ के एक दिन यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है फाइटोलक्का। फाइटोलक्का मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है इन केस ऑफ हार्मोन्स लेवल को मेंटेन करने की कंडीशन में, इसे भी आप 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन वो है योहिबिनम क्यू, ये काफी इफेक्टिव है इन केस ऑफ हार्मोन्स के लेवल को ये मेंटेन करती है। इसका एक्शन हार्मोन्स के ऊपर बहुत ही अच्छा है, इसे आप क्यू पोटेंसी में यूज करें। यदि इसे यूज करने की बात करें तो इस मेडिसिन को आप 1 कप गुनगुने पानी में 10 ड्रॉप सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। ये कुछ इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन थी। यदि आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप मुझे ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू।